नमस्कार, इस वक्त आप सब जुड़ चुके हैं सच न्यूज नेटवर्क के साथ और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। इस वक्त जो बड़ी खबर हमारे समक्ष आ रही है आप तक पहुंचा दें, ये बड़ी जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये लिया गया कि ऐसे इम्प्लॉयज, ऐसे कर्मचारियों की डिटेल्स मांगी गई जिनके पिछले काफी सालों से खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं। जी हाँ, ऐसे इम्प्लॉयज के अगेंस्ट अब स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिए जाएंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। चलिए आइए जान लेते हैं क्या है पूरी खबर और किस कारणवश स्कूल शिक्षा विभाग ने आज ये बड़ा फैसला लिया नॉन परफॉर्मिंग स्टाफ के खिलाफ। दर्शकों, जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डिपार्टमेंट के ऐसे कर्मचारियों, ऐसे इम्प्लॉयज की डिटेल्स कलेक्ट करने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है जिन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में 48 साल यानी कि 48 ईयर्स की आयु पर काम कर रहे थे और पिछले 22 सालों तक उन्होंने अपनी ड्यूटी की है। ये बड़ा कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि सरकार ने अलग अलग मीटिंग्स में स्कूल शिक्षा विभाग को जम्मू कश्मीर CSR के आर्टिकल 226 पार्ट 2 के तहत डिपार्टमेंट के नॉन परफॉर्मिंग या फिर आप कह सकते हैं डेड वुड कर्मचारियों की पहचान करने के लिए कहा है और इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया है स्कूल शिक्षा विभाग ने। सभी नॉन परफॉर्मिंग स्टाफ के खिलाफ अब स्ट्रिक्ट कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और भी डिटेल्स चली आइए जान लेते हैं क्या है इस खबर से जुड़ी। और अब इसी आदेश को मद्देनजर रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक फॉर्मेट भी तैयार किया है। जी हाँ, ये फॉर्मेट जिसमें डिपार्टमेंट के ऐसे इम्प्लॉयज की डिटेल्स मांगी गई है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो खराब रहा है, पुअर रहा है या फिर वे अपनी ड्यूटी के दौरान भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन या एम्बेजलमेंट के केसेस में शामिल रहे हैं। जानकारी और सरकार ने पहले बिगड़ते एकेडमिक स्टैंडर्ड्स और साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टूडेंट्स के बढ़ते ड्रॉप आउट रेट को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया था और ये डिसाइड किया था कि एक लिस्ट ऐसे इम्प्लॉयज के अगेंस्ट जो है वो तैयार की जाएगी और डिपार्टमेंट के सभी नॉन परफॉर्मिंग इम्प्लॉयज के नाम इस लिस्ट में शामिल होंगे। इसके अलावा जो फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग स्कूल शिक्षा विभाग फिजिकली डिसेबल के अलावा जो मेंटली एबनॉर्मल कर्मचारी हैं, मेंटली एबनॉर्मल इम्प्लॉयज की भी डिटेल्स मांग रहा है और इसी के साथ साथ प्राइमरी लेवल से हायर सेकेंडरी लेवल तक के जो सभी स्कूल्स हैं और इन सभी स्कूल्स में पोस्टेड टीचर्स को भी विभाग द्वारा स्टूडेंट्स के जीरो एनरोलमेंट होने पर एग्जिट डोर जो है वो दिखाया जाएगा। जी हाँ दर्शकों, जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इस वक्त कड़े कदम उठा रहा है अपना पूरा सिस्टम ठीक करने के लिए। ये कड़क कदम इसलिए उठाया जाए ताकि डिपार्टमेंट का जो बैड रिकॉर्ड चल रहा था उसे ठीक कर दिया जाए। स्कूल शिक्षा विभाग कम या जीरो एनरोलमेंट वाले सरकारी स्कूलों की डिटेल्स भी मांग रहा है और ऐसे डिटेल जो ऐसे स्कूल्स है जहां पर बच्चों की कम या फिर जीरो एनरोलमेंट है इनके खिलाफ भी अब स्ट्रिक्ट एक्शंस जो है वो लिए जाएंगे। और ये सारे जो बड़े फैसले हैं वो इसलिए लिए गए हैं ताकि ये जो पूरा जम्मू कश्मीर का एजुकेशन सिस्टम था जो बहुत ही खराब चल रहा था पिछले काफी टाइम से, इस पूरे सिस्टम को ठीक कर लिया जाए और नॉन करप्ट जो है वो बना दिया जाए। यहाँ पर एनरोलमेंट की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दें ये कदम जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा स्टूडेंट्स की शॉर्ट एनरोलमेंट के लिए लगभग 2000 स्कूल्स, कश्मीर में 1000 और जम्मू संभाग में 1000 स्कूलों को रैशनलाइज बनाने का निर्णय लेने के बाद आया है। और टीचर्स के साथ साथ कम या फिर जीरो एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वाले जो स्कूल्स है उनको भी अब वेकेट कर दिया जाएगा। और इन्हीं सबके बीच स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स के बीच डिपार्टमेंट ने ऐसे स्कूल टीचर्स की डिटेल्स भी मांगी है जिन्होंने पिछले काफी सालों में जम्मू कश्मीर बोर्ड या फिर स्कूल एजुकेशन लेवल के एग्जाम्स में स्टूडेंट्स के लो रिजल्ट्स जो है वो दिए हैं। दर्शकों, आपको बताते चले कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्राइवेट बिजनेस या फिर आप कह सकते हैं प्राइवेट कोचिंग देने में जो इम्प्लॉयज शामिल है ऐसे कर्मचारियों की संख्या भी विभाग को प्रस्तुत की जाएगी। और बड़ी खबर जो इस वक्त सामने निकल कर आ रही है, सरकार ने पहले ही ये कहा था कि डिपार्टमेंट में बड़ी संख्या में कर्मचारी होने के बावजूद उनमें से अधिकांश उम्मीदों के लेवल पर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही नॉन परफॉर्मिंग इम्प्लॉयज
जो है इन पर पूरा इन्होंने पूरे एडुकेशन सिस्टम को जम्मू कश्मीर में करप्ट बना दिया है, जिससे जनता को बड़ी असुविधाएं मिल रही हैं और डिपार्टमेंट के विकास में भी रोक लग चुकी है। लेकिन अब बड़ा फैसला जो एडुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए, इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए, नॉन करप्ट बनाने के लिए जा रहा है। सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग जो कि जम्मू कश्मीर का है उसको आदेश दिए हैं कि वो स्ट्रिक्ट एक्शंस उठाए ऐसे इम्प्लॉयज के खिलाफ जो कि नॉन परफॉर्मिंग है, ड्यूटीज पिछले काफी सालों से नहीं कर रहे और जिनके कारण जो पूरा सिस्टम है वो खराब हो चुका है। इस खबर में हमने आपको बहुत सी डिटेल्स बताई और कैसे कैसे किन किन टीचर्स के खिलाफ जो है ये स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। तो दर्शकों, ये थी बड़ी अपडेट पूरे एडुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए। एक बड़ा फैसला इस वक्त स्कूल एडुकेशन डिपार्टमेंट ने लिया है। दीजिए इजाजत, जय हिंद।